नेजल कैविटी से एयर कहाँ जाने वाली है? एयर जाने वाली है फेरिंग्स में, क्योंकि ट्रेकिया के अपर पार्ट का मॉडिफिकेशन ही लैरिंग्स है। नेजल कैविटी एक पार्ट है जो यहाँ पे की बकल कैविटी भी खुल रही है और हमारी नेजल कैविटी भी खुल रही है, दोनों की कॉमन ओपनिंग हो रही है। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट की कि भाई एयर कहाँ जाएगी। अब एयर जाएगी फेरिंग्स में, नेजल कैविटी से एयर कहाँ जाने वाली है? एयर जाने वाली है फेरिंग्स में। अब फेरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स भाई नेजल कैविटी एक पार्ट है जो यहाँ पे की बकल कैविटी भी खुल रही है और हमारी नेजल कैविटी भी खुल रही है, दोनों की कॉमन ओपनिंग हो रही है, उसको अपन कहते हैं फेरिंग्स। तो फेरिंग्स हम कह सकते हैं कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फूड और एयर दोनों का क्या होता है? ये कॉमन पैसेज होता है फेरिंग्स। मतलब अगर अपन इस तरीके से बात करें यहां पर, देखिए यहां से तो एयर जा रही है और इस पार्ट से क्या जा रहा है? फूड जा रहा है। तो ये जो पूरा पोर्शन है इसको हम फेरिंग्स कहते हैं। ये क्या कहलाती है? फेरिंग्स। एक्चुअली नोज की जो बाहर वाली ओपनिंग होती है ना उसको तो अपन नोस्ट्रिल कहते हैं, और जो अंदर ओपनिंग होती है उसको अपन इंटरनल नेयर्स कहते हैं। बाहर वाली ओपनिंग नोस्ट्रिल्स है नोज की, अंदर वाली ओपनिंग क्या है? इंटरनल नेयर्स। तो बेसिकली फेरिंग्स में इंटरनल नेयर्स खुलते हैं और यहाँ पर एक यू शेप का स्ट्रक्चर भी हैंग कर रहा होता है। इस यू शेप के स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, कोई बताएगा भाई? ये जो यू शेप का स्ट्रक्चर होता है ये क्या कहलाता है? ये इस यू शेप के स्ट्रक्चर को कहते हैं यूवुला। यूवुला कहते हैं, बिल्कुल बढ़िया, यूवुला, या इसको वेलम पैलेटाई भी कहते हैं। ये जो यू शेप का स्ट्रक्चर हैंग कर रहा है इसको यूवुला और वेलम पैलेटाई कहते हैं। और ये यूवुला करता क्या है? जब अपन स्वालो करते हैं, फूड को निगलते हैं, तो ये ऊपर उठ जाता है और नोज वाले पैसेज को बंद कर देता है, जिससे खाना जो होता है वो नाक में ना जाने पाए, क्योंकि अदरवाइज ये पैसेज तो कॉमन है। तो ये जो यूवुला ऊपर की तरफ उठ जाएगा, और ऊपर की तरफ क्यों उठेगा? जिससे कि फूड जो है वो नेजल कैविटी में ना जाए। इसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ अगर अपन देखते हैं, दो ट्यूब की ओपनिंग होती है इस फेरिंग्स में ही। आगे वाली है ट्रेकिया, विंड पाइप जिसको कहते हैं। पीछे वाली होती है ईसोफेगस, फूड पाइप जिसको कहते हैं। तो इनकी ओपनिंग होती है। अब ये ट्रेकिया के ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं एपिग्लॉटिस, और ये भी इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है। अब ये जो एपिग्लॉटिस होता है बेसिकली ये क्या करता है? जब अपन फूड स्वालो करते हैं तो यूवुला तो ऊपर उठ गया, नोज को बंद कर लिया, और ट्रेकिया को कवर किसने कर लिया? एपिग्लॉटिस ने। तो फूड ना तो ट्रेकिया में गया ना तो नाक में गया, फूड कहाँ पर गया? फूड गया सीधे ईसोफेगस में। कहाँ पर गया? ईसोफेगस में जाएगा, फूड पाइप में जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है ट्रेकिया की जो ओपनिंग होती है इसको अपन कहते हैं ग्लॉटिस, और ईसोफेगस की ओपनिंग जो है इसको कहते हैं गलेट। जो ईसोफेगस की ओपनिंग आपको दिखाई दे रही है ट्रेकिया में वो कहलाती है गलेट, और जो ट्रेकिया की ओपनिंग होती है उसको अपन कहते हैं ग्लॉटिस। ट्रेकिया की ओपनिंग कहलाती है ग्लॉटिस। तो अपन ये कह सकते हैं कि एपिग्लॉटिस प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू ग्लॉटिस,
ठीक है, ये कह सकते हैं ना कि भाई एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस में फूड को जाने से रोकता है, ग्लॉटिस मतलब ट्रेकिया की ओपनिंग, और इसी के ऊपर वाला पार्ट लैरिंग्स भी है, ट्रेकिया के ही ऊपर छोटा सा पार्ट लैरिंग्स कहलाता है। तो कई बार अपन ये भी कह देते हैं कि एपिग्लॉटिस लैरिंग्स में फूड जाने से रोकता है, क्योंकि लैरिंग्स भी ट्रेकिया का अपर पार्ट ही है। तो हम ये कह सकते हैं, कि जो फूड एपिग्लॉटिस होता है वो फूड को ट्रेकिया में जाने से रोक सकता है, एपिग्लॉटिस जो है वो फूड को ग्लॉटिस में जाने से रोकता है, या कह सकते हैं एपिग्लॉटिस जो है वो फूड को लैरिंग्स में जाने से रोकता है, क्योंकि ट्रेकिया के अपर पार्ट का मॉडिफिकेशन ही लैरिंग्स है, जो अपन अगला पार्ट पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली अगला पार्ट ही अपन क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर लैरिंग्स की बात करने वाले हैं, जो मैं अभी आपसे बार बार कह रहा हूँ लैरिंग्स, उसी की बात करने वाले हैं। लैरिंग्स क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ अपर पार्ट ऑफ ट्रेकिया, ट्रेकिया के अपर पार्ट का मॉडिफिकेशन है लैरिंग्स, जो ट्रेकिया के ऊपर वाला पार्ट है उसका मॉडिफिकेशन है लैरिंग्स। इसको साउंड बॉक्स भी कहते हैं, साउंड या वॉइस बॉक्स कह सकते हो आप, साउंड बॉक्स कहते हैं, वॉइस बॉक्स कहते हैं इसको, क्योंकि साउंड प्रोड्यूस यहीं से होता है। साउंड प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो वो साउंड प्रोडक्शन कहां से हो रहा है, यहीं से। ये ट्रेकिया हो गई, इसका ये ऊपर वाला पार्ट, ये लैरिंग्स होता है, और ये हो गई यहां पर जिसमें रिंग भी होगी कार्टिलेजिनस, वो अपन ट्रेकिया में अभी आगे पढ़ेंगे। ये वाला पार्ट हो गया ट्रेकिया, या जिसको अपन विंड पाइप भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो लैरिंग्स है, देखिए लैरिंग्स की बात करें, लैरिंग्स में टोटल, लैरिंग्स में 9 कार्टिलेजेस हैं एंड 2 पेयर्स ऑफ वोकल कॉर्ड। 9 तो इस लैरिंग्स किसका बना हुआ है, तो लैरिंग्स में 9 तो कार्टिलेज है, और 2 पेयर क्या है, वोकल कॉर्ड है इसमें,